नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोहरे की खबर से। आज सीजन का पहला कोहरा पड़ा है। शहर शहर धुंध की चादर आसमान में लिपटी हुई है। पूरा दिल्ली एनसीआर भी कोहरे की चपेट में है। आज सुबह कहीं कहीं विजिबिलिटी भी काफी कम दिखाई दी है, जीरो के करीब पहुंच गई है। दिल्ली और लखनऊ में कोहरे की वजह से कई उड़ानों पर भी असर देखा जा रहा है। कई फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। दिल्ली की तरफ से आने वाली 70 ट्रेन लेट है। 4 से 5 घंटों की देरी से ट्रेन पहुंच रही है। तब कोहरे की वजह से दिक्कतें थोड़ी शुरू हो गई। आज पहला कोहरा दिखाई दिया है दिल्ली एनसीआर में। अगर कहें तो विजिबिलिटी जीरो है, कई ट्रेन लेट हो गई हैं, फ्लाइट्स भी लेट हो गई हैं। चार तस्वीरें आपको दिखाते हैं, दिल्ली, नोएडा, कानपुर और फिरोजाबाद की तस्वीर। ये चारों तस्वीर देखिए और देखिए यहाँ पर शहर शहर कोहरे का असर दिख रहा है। लोग जब सुबह सुबह उठे हैं तो उन्हें हर तरफ कोहरा ही दिखाई दिया और कह सकते हैं ठंड ने दस्तक दे दी है। इसके अलावा अपेक्षाकृत ज्यादा ठंड भी महसूस हुई है। बुधवार को कुछ जगहों पर कोहरा बेहद घना था, कहीं कहीं पर विजिबिलिटी भी काफी कम थी। इसकी वजह से सड़कों पर लोगों को गाड़ियां चलाने में भी काफी दिक्कत आ रही है। वहीं ट्रेन और फ्लाइट्स के ऑपरेशन पर भी असर पड़ रहा है। आने वाले एक दो दिन में ऐसी स्थिति बने रहने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर पर आज सुबह से कोहरे की चादर छाई हुई है। इस वक्त हम एक्सप्रेस वे पर मौजूद हैं और यहाँ पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि तमाम जो गाड़ियां यहाँ पर चल रही हैं वो सभी गाड़ियां लाइट्स ऑन करके चल रही हैं, पार्किंग लाइट्स ऑन करके चल रही हैं, क्योंकि कोहरा ज्यादा है जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है एक्सप्रेस वे पर। और अगर सुबह की बात की जाए तो मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 5:30 बजे विजिबिलिटी 400 मीटर दर्ज की गई, जबकि सफदरजंग एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 500 मीटर दर्ज की गई और जो न्यूनतम तापमान था वो भी 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली और एनसीआर पर सर्दी की दस्तक अब हो चुकी है और जिस तरह से ये बात की जा रही थी कि आने वाले कुछ ही दिनों में सर्दी देखने को मिलेगी दिल्ली में, अब ये कहा जा सकता है कि नवंबर के आखिरी दिन दिल्ली में सर्दी ने दस्तक दे दी है। और जब आप घर से निकले आज तो जरूर कुछ जल्दी निकले क्योंकि दफ्तर पहुंचने में हो सकता है आपको ज्यादा समय लगे कोहरे की वजह से। बिल्कुल, आज सुबह से ही दिल्ली में कोहरा देखा गया है। रात में आसमान बिल्कुल साफ था लेकिन सुबह अचानक धुंध बढ़ गई, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखने लगा, जिससे दफ्तर जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लोग गाड़ी के हेडलाइट जलाकर सड़क पर चल रहे हैं। सीजन का पहला कोहरा होने की वजह से लोगों को थोड़ी दिक्कत जरूर महसूस होगी और कोहरे के साथ ही ठंड भी अब बढ़ गई है। इट्स अमेजिंग लाइक कि फॉग स्टार्ट है दिल्ली में, बट हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि अभी कुछ आगे दिख भी नहीं रहा है बिल्कुल भी, और ऐसा लग रहा है कि शायद आगे से कोई गाड़ी ना आ जाए जो मार ना दे। बट हाँ ये चीज है कि काफी टाइम दिल्ली में ऐसे फॉग दिखा है, कितने टाइम बाद, तो अच्छा सा फील हो रहा है बट एक थोड़ा सा डर है। सीजन का पहला फॉग है जो इस तरह से है, मतलब काफी अच्छा लग रहा है फिर भी। जैसे सुबह के टाइम घूमते हैं हम तो इतना टाइम हो गया, वरना हम जल्दी निकल जाते हैं, अभी हमें काफी टाइम हो चुका है, अच्छा लग रहा है यहाँ मतलब घूमने में। और हाँ जो ऐसी हमारी प्रैक्टिस चल रही है, रनिंग वगैरह हम कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें डिफिकल्टीज हो रही है बट कोई नहीं, दिल्ली की फॉग है, थोड़ा एंजॉय तो देगी एंड हर एक न्यू एक्सपीरियंस दिखाएगी। इधर यूपी के फिरोजाबाद और कानपुर में भी कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही घने कोहरे से हर तरफ दिखाई दे रहा है, रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है और कई जगह पर विजिबिलिटी जीरो है। कोहरे की वजह से पारा लुढ़क गया है और ठंड बढ़ गई है। तो फिरोजाबाद और कानपुर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर है। आज बहुत ठंड है, आज जरूरत, आज पहली ठंड ऐसी पड़ी है इस साल की जो बहुत ज्यादा ही ठंड है। कोहरा भी बहुत है चारों तरफ, आज गाड़ी चलाने वालों को दिक्कत है। ऐसे जैसे शर्ट पहन के लोग घूमते थे आज उनको भी दिक्कत है, आज सारी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हाँ इससे दिक्कत हो रही है, आने जाने में दिक्कत हो रही है थोड़ी, फॉग की वजह से कुछ ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हाँ हाँ क्योंकि रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है तो टाइम लग रहा है जाने आने में बहुत ज़्यादा वाहनों को।